हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स के नायक में। और हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक गणित से ही हमने स्क्वायर निकालना सीखा और स्क्वायर रूट भी हमने सीखा, लेकिन आज हम घन के बारे में बात करेंगे, घनमूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी हम लोगों ने बीच बीच में डिस्कस की थी, वर्ग के अंदर वर्गमूल में हम लोगों ने बात की थी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आज भी हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं, घन या घनमूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है वैदिक गणित, 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। और फिर मैं आपको बात स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम घन निकालना या घनमूल निकालना नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि वैदिक गणित के अंदर किस टाइप के रूल्स इसमें आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, और घन और घनमूल निकालना मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो काफी हमने अपलोड किए थे घन और घनमूल के ऊपर भी, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो वहां से सीखिएगा। शॉर्टकट मेथड है, इजी ट्रिक होंगी, वहां से सीखिए डायरेक्ट निकालना घन और घनमूल। लेकिन जो नेचर है वैदिक गणित का, वो कैसा इसके अंदर फैक्टर रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस अपने को पुटअप होंगे, उस बात पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी इसके अंदर कंडीशंस अप्लाई होंगी उस पर हम बात करेंगे, कौन सी विधियां, जैसे कि स्क्वेयर निकाला था, स्क्वेयर रूट निकाला, उसमें विधियां दी आई थी, किस टाइप के स्टेप रहेंगे, किस टाइप के खंड रहेंगे, क्या यूज रहेगा, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, उस पर हम बात करेंगे। तो चीज जो मैटर करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घन के बारे में। तो घन निकालना हम नहीं सीख रहे, घन के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे अपने को एग्जाम में, वो बात हम कर रहे हैं। तो घन निकालने की 3 विधियां हैं वैदिक गणित के अंदर। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, तीनों की तीनों मैं यहां लिख रहा हूं आपके। पहली विधि है अनुरूपेण विधि। कौन सी है? अनुरूपेण विधि। ठीक है, अनुरूपेण विधि। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आती है सूत्र एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, ये हमने पढ़ भी रखी। थर्ड नंबर पे जो विधि है सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम, या इसका जो अलग नाम है, इसका दूसरा जो नाम है आधार उपाधार विधि, आधार उपाधार विधि। ठीक है, ये 3 विधियों से हम सीखेंगे घन निकालना, और इन विधियों में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, वही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो फैक्टर है उस फैक्टर के बारे में हम जानेंगे। ये स्क्वायर के अंदर भी आई थी, स्क्वायर रूट भी हमने ये विधि आई थी, एकाधिकेन अनुरूपेण सूत्र निकलम, वहां पर हमने क्या यूज किया था। अब देखेंगे घन में इसका क्या यूज होगा, क्यूब के अंदर इसका क्या यूज होगा, तो साथ साथ नोट करते रहिए। तो सबसे पहले करते हैं अनुरूपेण विधि। ठीक है, फर्स्ट विधि करेंगे अनुरूपेण। इसमें सबसे पहली बात आती है कि कितने स्टेप बनेंगे, कि इस विधि से जब घन निकालने की बात होती है, क्यूब निकालने की बात होती है, तो कितने स्टेप बनेंगे। पहली बात तो ये रहेगी, तो सबसे पहले इसमें स्टेप देखेंगे कि भी स्टेप बनेंगे इसके अंदर 4 स्टेप बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 स्टेप मान लीजिए, या 4 समूह मान लीजिए, या 4 खंड मान लीजिए। और जब हमने अनुरूपेण विधि की बात की थी, जब स्क्वायर के अंदर वहां बात की थी, तो वहां क्या था, कितने बनते थे? 2 स्टेप बनते थे। कितने स्टेप बनते थे? सॉरी 3 बनते थे। ठीक है, यहां बात करेंगे, यहां 4 स्टेप बनते हैं। तो इस तरह अपने ध्यान रखना, विधि एक, नाम एक ही है, और दोनों का स्क्वायर में और क्यूब के अंदर अलग अलग काम रहेगा। तो कितने बनेंगे स्टेप? 4। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो हमने को याद रखना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं a+b की होल पावर 3 का फॉर्मूला है, अच्छे तरीके से याद है। तो ये हो गया a की पावर 3 प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में बी की क्यूब। यह आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे जो वैदिक गणित के अनुरूपण विधि के अंदर क्यूब निकालने के लिए होगा। तो 2 संख्याएं होंगी ए और बी, उनका क्यूब निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दीजिए और स्टेप बना देते हैं। उस बीच में सिंबल है प्लस का, वो यहां से गायब करेंगे। ठीक है,
अपने पीछे सीखा भी होगा, जब स्क्वायर अपने निकाला था तो कितने स्टेप हो गए, 1, 2, 3, 4, तो कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए। दूसरी इसकी खास बात यह रहेगी कि यह विधि 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए ही उपयुक्त है। तो कितने अंकों का निकालने के लिए, एक है कि 2 अंकों का सॉरी क्यूब निकालने के लिए, हाँ स्क्वायर में भी क्या था 2 अंक निकालते थे, क्यूब में भी 2 अंकों का क्यूब निकालने के लिए उपयुक्त रहेगी। तो फॉर्मूला पूछ सकता है आप, क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो, क्वेश्चन ये बनेगा कि अनुरूपण विधि से जब हम किसी भी डिजिट का कोई नंबर देगा उसका हम घन निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो कितने समूह बनेंगे, तो 4 बनेंगे आपके सामने, 1, 2, 3, 4। पहली बात क्लियर होगी कि अनुरूपण विधि से हम कितने डिजिट का घन निकाल सकते हैं, तो 2 अंकों का, ठीक है बात क्लियर होगी। इसमें छोटा सा हम क्वेश्चन करेंगे अभी देखो, तो बिल्कुल आसान है, नोट कर लिया होगा सभी ने, ठीक है एक क्वेश्चन करते हैं अपन। तो 2 अंकों का कोई भी आप डिजिट ले लीजिए और उसका अपन क्या निकालते हैं, घन निकालेंगे। तो मैंने छोटी सी डिजिट ले ली, कोई भी डिजिट ले लीजिए, 2 अंकों की लेनी अपने को। तो फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले a की क्यूब थी, तो a अपने पास ये है, b अपने पास ये है, 2 अंक हो गए, तो ये संख्या a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, b। अब देखो पहले क्या फॉर्मूला था, a की क्यूब मतलब 1 की क्यूब सिंबल, उसके बाद में 3 इंटू 1 की जगह 1, b की जगह ए स्क्वेयर था, तो एक स्क्वेयर और ये सीधा। अब देखो 3 इंटू 1 इंटू बी की स्क्वेयर आएगा, तो 2 की स्क्वेयर आएगा इंटू 2 की और 3। फॉर्मूला उसे मैंने सीधी वैल्यू पुट की है, अब निकालना बता रहा हूं लेकिन अपने निकालना नहीं है, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया 3 दुए 6 आ गया, और यहां 4 दिए 12 आ गया, और ये आ गया 8। अब देखोगे इसको सीधा लिखोगे यहां 8, और इस इकाई को यहां लिखोगे, आगे वाली संख्या इसमें ऐड होगी, ये हो गया 7, और ये आ गया यहां, तो 1728 इसका क्यूब आ गया, किसका 12 का क्यूब कितना आ गया, 1728 आ गया। आपको मैं अच्छे तरीके से फिर बता देता हूं कि क्यूब निकालना नहीं अपने को, ये 2 रूलिंग है यही आपको याद रखनी है। आई होप कि समझ में आ गई होगी अनुरूपण विधि की ये रूलिंग थी। आप कोई भी संख्या का आप निकाल सकते हो, 2 अंकों की होनी जरूरी है, किस विधि से, अनुरूपण विधि से। कितने स्टेप बनेंगे, 4 स्टेप बनेंगे, कितने अंक के लिए यूज है, 2 अंक के लिए यूज है, ठीक है। अब सेकंड विधि पर चलते हैं, कौन सी थी सेकंड, सूत्र एकाधिकेन पूर्विण विधि, क्या थी सूत्र एकाधिकेन पूर्विण विधि, सेकंड नंबर पे देखो, 2 नंबर पे है सूत्र एकाधिकेन एकाधिकेन पूर्विण विधि, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कितने स्टेप बनेंगे, तो सबसे पहली बात इसमें कितने स्टेप बनेंगे, इसमें 4 स्टेप बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 स्टेप बनेंगे। तो खास बात इसकी ये रहेगी कि इसमें स्टेप बोल लीजिए या खंड बोल लीजिएगा आप या समूह बोल लीजिए, बात हमने सीख ली है स्क्वायर में स्क्वायर रूट के अंदर, तो कितने बनेंगे, 4, ठीक है, ये अच्छे से आ गया। अब इसके अंदर आप देखोगे कि 2 अंकों के लिए ही है उपयुक्त है, कितने अंकों के लिए, 2 अंकों के लिए है उपयुक्त है, 2 अंकों के लिए, अंकों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इस विधि से भी 2 अंक का हम घन निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, अच्छे से आपको बात में, क्वेश्चन अपना यहीं से बन के आएगा कि भी स्टेप कितने हैं एकाधिकेन पूर्विण विधि में, जब हम क्यूब निकालते हैं तो 4 होंगे, और 2 अंकों के लिए है एकाधिकेन पूर्विण विधि, क्यूब निकालने के लिए उपयुक्त है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन बनेगा, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या वो लिखो आप, ठीक है, सूत्र इसका जो सूत्र बनेगा वो देखो कि संख्या का क्यूब, तो फॉर्मूला होता है एक स्क्वायर गुणा में एक की ऊपर डॉट लगाएंगे, इसका मतलब होता है एकाधिकेन, ये बात हमने अच्छे से सीखी है वर्ग और स्क्वायर के अंदर, ठीक है। फिर आता है एक स्क्वायर और विचलन, ठीक है, ये विचलन भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। और देखो इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी की स्क्वायर और बी की क्यूब, अच्छे से समझ गए होंगे कि देखो कितने स्टेप बनेंगे, एक स्टेप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक टोटल स्टेप हो गए 4,
तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ए की स्क्वायर गुणा में ए का एकाधिकेन, ये जो डॉट मैंने लगाया है इसका मतलब होता है एकाधिकेन। फिर आता है ए स्क्वायर गुणा में विचलन, और उसके बाद में 3 × a × b² और लास्ट में b की क्यूब, तो चार अपने पास स्टेप है। अब इस विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूब निकालेंगे, कितने अंकों का, 2 अंकों का। तो हमने अच्छा अब ये विचलन एक शब्द आया है, इस विचलन का हमने ने सूत्र निकलन विधि से स्क्वायर के अंदर अपने बात की थी, तो वो अलग था विचलन। अब विचलन देखो इसके अंदर क्या आएगा, इसमें विचलन निकालना, तो विचलन का मतलब यहां होता है 3 गुणा के अंदर इकाई संख्या, क्या होता है इकाई संख्या, और माइनस का 10। तो आप देखोगे कि आपके पास दो फॉर्मूले आ गए। आपसे यह भी पूछ सकता है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्ण विधि में जब क्यूब निकालने की बात आती है तो विचलन का फॉर्मूला बताओ, तो यह भी हो गया। सीधा पूछ सकते विचलन बताओ, आपसे क्यूब नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका विचलन कितना आता है जब क्यूब निकालते हैं, तो कैसे निकालना है, इकाई संख्या, जितनी संख्या दे रखी होगी इकाई संख्या का मतलब उसकी लास्ट वाली संख्या इकाई संख्या होती है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से माइनस करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक। एक एग्जांपल करते हैं, यहां एग्जांपल करेंगे छोटा सा एक, देखिए आप 2 अंकों की हमें संख्या लेनी है, तो 2 अंकों की मैंने मान लिया ये संख्या, इसका मेरे को क्यूब निकाल लें। तो आप देखोगे कि सबसे पहले ये ए है 1 और बी का मतलब 5 हो गया, तो ए की स्क्वायर करूंगा यहां, तो ए की स्क्वायर का मतलब होता है 5 की स्क्वायर, ठीक है, थोड़े बड़े लिखते हैं, कितना हो गया 5 की स्क्वायर। अब आप देखोगे गुणा के अंदर कितना है, ए का मतलब सॉरी ए का मतलब 1 है, 5 नहीं होगा, ठीक है 1 होगा, 1 का स्क्वायर। अब आप देखो ए की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, ए का एकाधिकेन करना है, एकाधिकेन का मतलब क्या होता है 1 अधिक, इसका मतलब गुणा में 2 आ गया, ये हमने सीखी है पिछली वीडियो देखिएगा प्रीवियस, ए के स्क्वायर फिर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर गुणा में विचलन। अब देखो विचलन कितना आएगा, विचलन का मतलब होता है इकाई संख्या ध्यान करनी है। अब 15 की इकाई संख्या कितनी है, 5 है, मैं यहां रखूंगा 5 को, देखो × 5 और माइनस का 10, तो अपना आ गया 5 × 15 है माइनस 10, तो कितना आंसर आ गया 5 आंसर आ गया, तो विचलन कितना रखूंगा यहां 5। अब देखो 3 गुणा में a की वैल्यू 1 है, b की कितनी है 5, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो सीधा सीधा मैं स्क्वायर लिख दिया, अब लास्ट में b की क्यूब करना है। इतनी बात समझ में आ गई, 4 स्टेप बन रहे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका 2 से करो तो 2 ही आएगा, इसका 5 आएगा, इसका कितना आएगा 5, को 5 से करते हैं 25 और 25 × 75 और ये कितना आ गया 5 × 5 = 25 × 25 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये लिखेंगे लास्ट का ये 5, ये उन्होंने सीखा है स्क्वायर के अंदर, जो ये 12 है ये इसमें ऐड होगा, 75 में जो 12 है हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 5 और 2 कितने हो गए 7 और 7 और 1 87 हो गए। अब इसका 7 यहाँ रखूंगा और ये 8 कहाँ जाएगा, इस 5 में ऐड हो जाएगा, 8 और 5 कितने हो गए 8 और 5 13 का 3 आ जाएगा, 1 बचेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितने आ गए ये आ गए 3, तो 33 × 75 इसका आंसर आ गया, ये आ गया अभी 15 की क्यूब आ गई 33 × 75, तो बड़ी आसानी से अपने निकाल लिया, लेकिन अपने को निकालना नहीं है, अपने से क्या पूछेगा, अपने से ये पूछेगा कि भी 15 की जो क्यूब हम निकालेंगे तो वैदिक गणित के अंदर इसका विचलन कितना आएगा, तो विचलन कितना आएगा, इसका विचलन ये आएगा 5, इसका आंसर ये क्वेश्चन पूछेगा। स्टेप कितने बने, 4 स्टेप बने, इस तरह के क्वेश्चन अपने से पूछेगा। और ये बात अपने को ध्यान रखनी है, बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि इसकी जो कंडीशंस है, इसकी जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, उस बात पे ज्यादा गौर कीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट विधि हम करेंगे कौन सी रही, सूत्र निकलन, ये नोट कर लिया होगा सभी ने, साथ साथ नोट करते रहिए तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या नाम है, सूत्र निकलन आधार उपाधार विधि, दोनों में फॉर्मूले होंगे, पीछे आपने सीखा भी है क्योंकि ये नाम आया हुआ है पीछे स्क्वायर के अंदर, तो थर्ड नंबर करें लास्ट सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम मतलब आधार उपाधार
विधि। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अब इस विधि से निकालना नहीं पूछेगा अपने से इसकी कंडीशंस में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस बात पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आधार लेके चलता हूं और एक फॉर्मूला बनेगा। देखो मैंने स्क्वायर वर्ग भी आपको करवाया था, उसमें क्या बना था, उसमें भी फॉर्मूला बना था, तो अब इसमें अलग फॉर्मूला बनाएंगे क्योंकि ये क्यूब की बात आ रही है, तो फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, संख्या, जब क्या निकालते हैं, संख्या की क्यूब निकालते हैं क्योंकि क्यूब का पिक चल रहा है, तो यहां लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे, संख्या और प्लस में दो इंटू में विचलन, क्या लिखेंगे, विचलन। आप देखोगे ये पहला स्टेप बन गया, संख्या जो अपने को दी होगी और उसके बाद में प्लस में टू इंटू में विचलन, उसके बाद में देखो सेकंड स्टेप तीन इंटू में विचलन का स्क्वायर, सॉरी हाँ ये दो नंबर स्टेप आ गया, कितना आ गया, विचलन का स्क्वायर आ गया। अब तीन नंबर देखिए इसका क्या आता है, विचलन की क्यूब। ये तीन स्टेप बनेंगे कब, जब हम आधार लेके चलेंगे। ये बात मैंने अच्छे तरीके से आपको स्क्वायर में समझाई है, उसमें ज्यादा समझना आप, तब ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी, फॉर्मूला चेंज हुआ है रूलिंग वही रहेगी। तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखिए, आप बोलेगा कि कोई संख्या दे देगा और उसकी क्यूब निकलवाएगा, बोलेगा सूत्र निकलने विधि से, जब आधार को हम मानते हैं, आधार लेके चले सूत्र निकलने विधि से, तो विचलन कितना आएगा पूछेगा, या पूछ सकता है कि उसका आधार क्या होगा, ये बात हम सीखेंगे। तो इस फॉर्मूले से मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए कोई संख्या दे दी अपने को, दे दिया इसने, अपन लेके चलते हैं यहां पर कोई संख्या 23, क्या लेके चलते हैं 23 का क्यूब निकालते हैं। अब सबसे पहले संख्या का मान कितना है 23, विचलन अभी मैंने बताया था, विचलन का मतलब क्या होता है, 3 इंटू में इकाई संख्या माइनस में 10, अभी अपनों ने सीखा था। अब देखो अब इसमें से ये नहीं कहेगा इसका क्यूब निकालो, मैं क्यूब निकाल के बताऊंगा भी नहीं क्योंकि इसमें पूछेगा नहीं आपसे, पूछेगा तो मैंने अलग लिंक दे रखा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां देखिएगा, वहां उन्होंने सिखाया है क्यूब निकालना, किस तरह से निकालना है क्यूब। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा इसके अंदर कि भी कि संख्या 23 का क्यूब निकालते हैं, निकालेंगे तो विचलन कितना आएगा, तो विचलन कितना आएगा, पहली बात ये क्वेश्चन हो गया कितना विचलन आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि आधार बताओ, आधार बताओ। अब आप देखोगे मैंने आपको बताया था जब आधार की बात होती है तो मैंने ये बोला था कि 10 के आसपास की संख्या 10 को आधार मानेंगे, जब 100 के आसपास है तो 100 को मानेंगे, बाकी जो संख्या बचगी वो उपाधार के अंदर आएंगी, ठीक है। इसका आधार देखो 23 किसके आसपास है, 10 के है, तो इसका आधार कितना हो गया 10, तो पहला आंसर तो ये आ गया। सेकंड नंबर का आधार बताओ, अब विचलन बताना है, विचलन का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, 3 इंटू में इकाई संख्या कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, माइनस में 10, अब देखोगे 9 माइनस में 10 कितना आ गया -1, तो आपका विचलन कितना आ गया भाई -1 आ गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भी सूत्र निकलने विधि से कितने स्टेप बनते हैं, देखो 3 स्टेप बनेंगे, इसका विचलन कितना आया, कोई डिजिट जैसे 23 ली तो इसका विचलन आया -1, इसका आधार कितना था 10, अगर यहां दे देता 107 दे देता, अपने को ये दे दे एग्जांपल में 107 की क्यूब पूछ ले और ये दे दे, तो इसका बेस कितना आएगा, इसका बेस आएगा 100, क्योंकि ये 100 के पास आसपास है ना, 100 के आसपास है, इसका कितना आएगा, अब इसका विचलन कितना आएगा, अब विचलन देखोगे कि 7 यहां रखूंगा मैं, इकाई अंक कितना है 7 यहां रखूंगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 या 21, 21 में से जब 10 को माइनस करता हूं कितना बचता है 11 है बचता है, तो इसका जो आएगा विचलन, इसका जो विचलन कितना आएगा, इसका विचलन आएगा 11 है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, और प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाए हैं वैद्य गणित के ऊपर जो स्क्वायर के हैं, जो स्क्वायर रूट के हैं, उनको अच्छे से देखिएगा, वहां इनके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने समझा था, और ज्यादा
तो अब हम इसके उपाधार की बात करेंगे। इसके अंदर उपाधार में क्या फॉर्मूला रहेगा? फॉर्मूला यह रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखो उपाधार लेके करेंगे तो देखो यहां उपाधार अपन ने लिखा और जो फॉर्मूला क्या चेंज होगा, फॉर्मूला ये चेंज होगा, उपाधार अंक और उसका मल्टीप्लाई करना है इस संख्या, सेम सूत्र रहेगा, संख्या प्लस में दो गुणा में विचलन और यहां उपाधार अंक और इसका मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड नंबर से, 3 × में विचलन का स्क्वायर और लास्ट वाले को सीधा सीधा पड़ा रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, विचलन का क्यूब। तो देखोगे कुछ चेंज नहीं, सेम फॉर्मूला यहां रहा है अपना, इसमें उपाधारांक को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उपाधारांक को इससे मल्टीप्लाई किया, ये सेम का सेम। तो आपसे पहली बात तो ये फॉर्मूला पूछ सकता है कि भी फॉर्मूला बताओ हमें सूत्र निकले विधि से क्यूब का निकालने का, जो आधार उपाधार मान के अगर करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने कि अपने को क्या पूछेगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टेप कितने बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए, कितने अंकों के लिए उपयुक्त है ये विधि ये आपको याद होने चाहिए, विचलन कैसे निकलता है ये आपको याद होने चाहिए। ये नहीं कहेगा कि इससे आप क्यूब निकालो स्क्वायर निकालो, कभी नहीं पूछेगा, और होता तो मैं आपको बताता, आपसे पूछ लेगी इसका स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो कोई सी विधि कर लेना, अगर विधि नहीं है तो हमने भी ट्रिक सिखाई, आपने सीखी भी और कहीं से भी होंगी तो वो यूज कीजिए। और एक बात और आपको बता देता हूं कि स्क्वायर वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां से क्वेश्चन आएंगे, घन का जो टॉपिक है ना वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मैंने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे, स्क्वायर में से ज्यादा क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है? तो उसको ज्यादा नोटिस करना, इसको भी करना है लेकिन उसको ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से बन के आएंगे, घर में से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, बनेंगे ये स्टेप वगैरह खंड वगैरह ऐसा कुछ पूछेगा, बाकी नॉर्मल चीज है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक हम करवा रहे हैं। एक टॉपिक और बच गया आपका घनमूल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे उसके ऊपर, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें से क्या किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आई होप कि आज जितना हमने पढ़ाया वो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह हमसे जुड़े जुड़े रहिए लगातार, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा, जो नई चीज आपको लगे ना उसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा, बाद में आप इसके ऊपर वो रिपीट भी कीजिएगा इस चीज को, जो समझ में नहीं तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, आपके पास तो अवेलेबल है सुविधा, डाउनलोड कीजिए इसको, दोबारा देखिएगा यूट्यूब पे, दोबारा देखिए, कहीं नहीं जाने वाले वीडियो तो। और फिर भी अगर ज्यादा किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए और वहां हम आपका सोल्यूशन जरूर बताएंगे आपको उस चीज का। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेट हमेशा रहिए हमारे साथ, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही कि अपने को क्या पूछेगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टेप कितने बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए, कितने अंकों के लिए उपयुक्त है ये विधि ये आपको याद होने चाहिए, विचलन कैसे निकलता है ये आपको याद होने चाहिए। ये नहीं कहेगा कि इससे आप क्यूब निकालो स्क्वायर निकालो, कभी नहीं पूछेगा, और होता तो मैं आपको बताता, आपसे पूछ लेगी इसका स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो कोई सी विधि कर लेना, अगर विधि नहीं है तो हमने भी ट्रिक सिखाई, आपने सीखी भी और कहीं से भी होंगी तो वो यूज कीजिए। और एक बात और आपको बता देता हूं कि स्क्वायर वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां से क्वेश्चन आएंगे, घन का जो टॉपिक है ना वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मैंने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे, स्क्वायर में से ज्यादा क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है? तो उसको ज्यादा नोटिस करना, इसको भी करना है लेकिन उसको ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बन के आएंगे, घर में से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, बनेंगे ये स्टेप वगैरह खंड वगैरह ऐसा कुछ पूछेगा, बाकी नॉर्मल चीज है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक हम करवा रहे हैं। एक टॉपिक और बच गया आपका घनमूल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे उसके ऊपर, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें से क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आई होप कि आज जितना हमने पढ़ाया वो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए लगातार, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा, जो नई चीज आपको लगे ना उसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा, बाद में आप इसके ऊपर वो रिपीट भी कीजिएगा इस चीज को, जो समझ में नहीं तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, आपके पास तो अवेलेबल है सुविधा, डाउनलोड कीजिए इसको, दोबारा देखिएगा यूट्यूब पे, दोबारा देखिए, कहीं नहीं जाने वाले वीडियो तो। और फिर भी अगर ज्यादा किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए और वहां हम आपका सोल्यूशन जरूर बताएंगे आपको उस चीज का। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेट
हमेशा रहिए हमारे साथ और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।